नमस्कार दोस्तों, वेलकम एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को याद दिलाए, विपक्ष में थे तब बहुत बोलते थे, मंत्री बनकर चुप्पी क्यों साध ली। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने युवक के ट्वीट पर सफाई देने से हुए ट्रोल, सैकड़ों युवकों ने रीट और भर्तियों को लेकर घेरा। ट्विटर हो जाए मंत्री की आवाज़, एक जैसी सफाई। ट्विटर पर शिक्षा मंत्री ने सफाई देकर जिस तरह खुद का पल्ला झाड़ा, उसी तरह नगर परिषद ने भी उनकी आवाज़ के बाहर सफाई की रस्म अदायगी कर दी। नगर परिषद का दावा है कि रविवार को डोटासरा के घर के बाहर सफाई करवाई गई, लेकिन दोपहर बाद वहां वापस ऐसा हालात थे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को एक छात्र ने ट्वीट कर जवाब देना भारी पड़ गया। छात्र गुरप्रीत ने शनिवार को ट्वीट किया था कि फीस के चलते जेआईआईटी जोधपुर के बच्चे परेशान हैं और मंत्री साहब कुंभकर्ण की नींद में जनाब उठो, ट्विटर चला ही क्यों रहे हो, अगर जनता को जवाब भी नहीं देना। छात्र ने इस ट्वीट में राहुल गांधी को भी टैग करते हुए लिखा कि कांग्रेस की ये हाल है राजस्थान में। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब में लिखा कि नींद में आप लगते हो बंधु, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। इतना लिखते ही विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। अभ्यर्थियों ने रीट भर्ती 2020 स्कूल लेक्चर द्वितीय श्रेणी खाली पदों, परीक्षा के समय में बिजली कटौती, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर सैकड़ों पोस्ट की। एक युवक राजेश बगड़िया ने कमेंट किया कि रीट की का सिलेबस जारी करने का टेंडर किसी सरपंच के पास तो नहीं है। JIIT के स्टूडेंट ने लिखा है कि ये मामला भी शिक्षा से ही जुड़ा है, हेल्प तो आप ही भी कर सकते हो। दूसरे विभाग का मामला बता, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, चुनाव फिर आने है, याद रखना। एक युवक कुलदीप नेहरा ने लिखा कि मंत्री जी जो लिखा है, जो विभाग आपके पास उसमें तो जगे हुए हैं क्या आप। एक घंटे बाद ही युवक ने मंत्री के घर से महज कुछ दूरी पर जमा कचरे के ढेर को फोटो की पोस्ट की। कई लोगों ने गंदगी की फ़ोटो को शर्मनाक बताया। मुकेश कुमार ने लिखा कि सेकेंड ग्रेड 2018 वालों को भी सुन लो, कछुआ चलते हुए बहुत दिन हो गए, कछुआ चाल चलते हुए बहुत दिन हो गए, अब समझ जाओ वरना आपका कुछ नहीं हो सकेगा। भगवान राम ने रीट का सिलेबस और पैटर्न जारी करने की मांग की। जितेंद्र बारको ने सरदार सिंह के एडिसन के विद्यालय में भूगोल विषय पर साइंस और संकाय विषय के जारी की मांग पत्र डाली तो कहा कि पहली बार मैं अपील की बात भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। सोराराम ने ट्वीट किया कि शिक्षा मंत्री अब आप बदल गए हो, आप विपक्ष में थे लेकिन चला दे रहे हैं, क्या वोट देने का तरीका था। सोशल मीडिया पर बवाल के बावजूद नहीं बदली मंत्री की आवाज़ लेकर की सफाई व्यवस्था। बदहाल तस्वीर ट्विटर पर, शिक्षा राज्य मंत्री के ट्रोल होने और विधायक आवास के पास बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ट्वीट की गई तस्वीर के हालात दूसरे दिन भी रविवार भी नहीं बदले। दैनिक भास्कर ने दूसरे